तरया जुहार। पुत्रेति तन्मये तया तर्वो भिनेदुष तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। नौमीड्यते भ्रवपुषे तदिदं वराय गुञ्जावतंस परिपीक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्रजे मृदुपदे पशुपांगजाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जानत को जहाँ डाल डाल अरुपात पात श्री राधे राधे हो। राधे मेरी स्वामिनी मेरा राधे तेरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन बास। वृंदावन बानिक बने जहाँ दर्श करत जन भो दुलहिन प्यारी राधिका श्री दुलहानंद किशोर जिसने अपनी सौंप दी हाथ तिहारे डो कभी उलझ सकती नहीं पकड़े नंद किशोर। हे पार्थ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम मेरे मन की भी गहो अपने हाथ लगा। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी राधे।
भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार ना संविधाय हितदो दयते विवेकः भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब हमारा सबका भाग्योदय होता है तब भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। भाग्योदय कब होता है? बहुजन्म समर्जिते। जब हम बहुत जन्म तक पुण्य करते हैं, कई जन्म तक साधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, गरीब कन्याओं के विवाह संपन्न कराते हैं, गायों की सेवा करते हैं, पौशाले बनवाते हैं, कई जन्म तक ब्राह्मण सेवा साधु सेवा करते हैं, वो पुण्य जब एकत्रित हो जाता है कई जन्म तक किए हुए पुण्य का, वो फल जब एकत्रित हो जाता है, कदाचित पोटली पुण्य की खुलती है तो उसे भाग्योदय कहते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। कई जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है, हरि कथा की प्राप्ति होती है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, जिस कथा के माध्यम से हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, जो सारे विकार हैं वो समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। ना संविधाय हितदो दयते विवेक, अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है और परम विवेक की प्राप्ति होती है, जिससे मुझे भगवत प्राप्ति होती है, जिससे मेरा ठाकुर मिल जाता है। हाँ, एक बार की बात, बहुत सुंदर तीर्थ है नैमी सारायण, एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, महाराज ऐसा कोई पुनीत स्थान बताओ, पवित्र स्थान बताओ, पुण्यवान स्थान बताओ कि जिस स्थान पर हम तपस्या करें, साधना करें, तप करें, कम समय तक करें, फल ज्यादा मिले। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद जी, हम अपना सुदर्शन चक्र छोड़ रहे हैं, जहां पर मेरा ये चक्र गिर जाए तो समझ जाना वही पवित्र क्षेत्र है। भगवान विष्णु ने जैसे चक्र छोड़ा, सीतापुर में जाकर के चक्र गिरा है।
गोलाकार निमि हो गया। निमि कहते हैं गड्ढे को, अरण कहते हैं गोले को, गोलाकार। कूप हो गया है, गड्ढा हो गया है, उस स्थान का नाम चक्रतीर्थ हो गया है। जो नैमी सारण्य में जाते हैं, चक्रतीर्थ में स्नान करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ भर नैमी से विख्यात, तीरथ भर नैमी से विख्यात, तीरथ भर नैमी से विख्यात, तीरथ भर नैमी से विख्यात, अति पुनीत साधक सिद्धदाता, अति पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा, हरसि नहाए निर्मल नीरा, हरसि नहाने गोमती मैया की जय हो। नैमी सारण धाम की जय हो। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अत्यंत पुनीत तीर्थ है, पवित्र तीर्थ है, जहां तपस्या करने से कई गुना फल मिलता है, कोटि गुना फल मिलता है, ऐसे सुंदर तीर्थ में 88,000 महात्मा विचार कर रहे हैं कौन सी तपस्या करें, कौन सी साधना करें, कौन सा जप तप करें, कौन सी भगवान की कथा सुने, जिससे मनुष्य के अंदर भगवान की भक्ति का प्रवेश हो जाए। 88,000 महात्मा विचार कर रहे थे, बड़े चिंतित हैं। 88,000 महात्माओं के गुरु जी हैं सूत जी। सूत जी का आगमन हो गया। जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ, 16,108 महाराज, 88,000 महात्माओं ने सूत जी को, अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आप भी जिन्होंने गुरु बनाए हों तो मन में अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण कर लीजिए। बंद हूँ गुरु पद पद में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुआ, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि प्यारे गुरु, यहां से परलोक तक का संबंध होता है गुरु का। गुरु बना लो जिसे, उससे पूर्ण श्रद्धा रखो।
श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दीप दृष्टि होती। कभी गुरु से दुराव न करो, अलगाव न करो, छिपाओ न करो। ठाकुर से यही प्रार्थना करो, मेरा गुरु मुझसे कभी न दूर हो। लिखन वालिए तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल बीच गुरु जी द प्यार। लिख दे लिखन वाली तू हो के दयाल, ए बिहारी जी मेरे दिल बीच गुरु जी द प्यार। लिख दे लिखन वाली तू हो के दयाल, लिख दे लिए तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल बीच गुरु जी द प्यार। लिख दे बीच गुरु जी द प्यार, लिख दे मेरे दिल बीच गुरु जी द प्यार। मेरे गुरु से पीछो कभी ना हो, माथे पे धर दे हाथ गुरु जी, माथे पे धर दे हाथ गुरु जी, माथे पे धर दे हाथ गुरु जी, माथे पे धर दे हाथ गुरु जी। दिल बीच दिल बीच गुरु जी द प्यार। लिख दे मेरे दिल बीच गुरु जी द प्यार, लिख दे मेरे दिल बीच गुरु जी द प्यार। लिख दे लिखन वालिए तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल बीच गुरु जी का प्यार। लिख मेरे दिल बीच गुरु जी का प्यार। लिख दे गाइए ताली बजा करके मस्ती से अपने गुरु का ध्यान करते हुए। जय हो ठाकुर, हे बिहारी जी, अपने इन हाथों से खूब गुरु की सेवा करो। हाथ में लिख दे सेवा गुरु जी, हाथ पे लिख दे सेवा गुरु जी, हाथ में लिख दे सेवा गुरु की, हाथ
हाथ पे लिख दे सेवा गुरु दिल बीच जय हो दिल बीच जय हो दिल बीच दिले वरदा प्यार लिख दे मेरे दिले गुरु जी ता प्यार लिख दे मेरे दिले बीच गुरु जी ता प्यार लिख दे हाँ दिल बीच दिले वरदीदार लिख दे मेरे दिल बीच गुरु जी ता प्यार लिख दे हाँ मेरे दिल बीच गुरु जी ता प्यार लिख दे लिखन वालिए तू हो के दयाल लिख दे मेरे दिल गुरु जी ता प्यार लिख दे मेरे दिल बीच गुरु जी ता प्यार लिख दे आ मेरे दिल बीच गुरु जी ता प्यार लिख दे मेरे दिल बीच गुरु जी ता प्यार लिख दे मेरे दिल बीच गुरु जी ता प्यार लिखन वालिए तू हो के दयाल लिख दे मेरे दिल बीच गुरु जी दा प्यार लिख दे हाँ मेरे दिल बीच गुरु जी दा प्यार लिख दे ए मेरे दिल बीच गुरु जी दा प्यार लिख दे ए प्रभु एक लेख जीवन में कभी ना लिखना कौन सा प्रभु लेख न लिखो मेरे गुरु जी बिछोड़ा लेख न लिखो मेरे गुरु जी बिछोड़ा कभी जीवन में मेरे गुरु से बिछो ना हो अलगाव ना हो ऐसा लेख कभी न लेख न लिखो मेरे गुरु जी बिछोड़ा और चाहे दुख का पहाड़ लिख दे मेरे दिल दिल बीच गुरु जी का प्यार लिख दे ए मेरे दिल बीच गुरु जी का प्यार लिख दे लिखन वालिए तू हो के दयाल लिख दे मेरे दिल दिल बीच गुरु जी दा प्यार लिख दे हाँ मेरे दिल बीच गुरु जी दा प्यार लिख दे मेरे दिल बीच गुरु जी दा प्यार लिख दे मेरे दिल हृदय में अगाध प्रेम हो गुरु के चरणों के प्रति सोनकादिक ऋषियों ने
अपने गुरुदेव भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। सूत जी ने कहा, हे सौनकादिक ऋषियों, आपको दुख क्या है? सौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज, इह घोरे कलौ प्रायः जीवस्याम सुरतां गतः क्लेशां क्लांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलयुग में जीवस्याम असुरतां गतः, महाराज, इस घोर कलयुग में जीव असुर स्वभाव का हो गया है। हाँ, क्लेशां क्लांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। व्यक्ति का शोधन कर दे, ऐसी कथा सुनाओ, ऐसा उपाय बताओ जिससे व्यक्ति का शोधन हो जाए। जीव असुरता की ओर बढ़ रहा है, असुर स्वभाव का हो गया है, ऐसा उपाय करो कि जिससे मनुष्य असुरता से दूर हो जाए, देवता बन जाए। यदि ना देवता बन सके तो मनुष्य मनुष्य तो बना ही रहे। ऐसी सुंदर कथा सुनाओ, ऐसा कोई उपाय बताओ। अज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य सम प्रभ सूतख्या ही कथा सारं मम कर्णारसायन। हे सरकार, अपने गुरु के प्रति ऐसा ही पवित्र भाव रखो। सौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे गुरुदेव, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्य के समान है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, आपके पास जो ज्ञान है वो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने का काम करता है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा, करोड़ों सूर्य के समान आपकी ख्याति है। सूतख्या ही कथा सारं मम कर्णारसायनम्। हे गुरुदेव भगवान, हे सूत जी महाराज, ऐसे सुंदर आज हमें कथा सुनाओ कि मेरे कर्ण छिद्रों को आनंद आ जाए, हम भक्ति रस में डूब जाए, हम भक्ति में सराबोर हो जाए। ऐसी सुंदर कथा सुनाओ महाराज। भक्ति ज्ञान विराग आप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। ऐसी सुंदर कथा सुनाओ जिस कथा में भक्ति की चर्चा हो, जिस कथा को सुन करके हम परम भक्त हो जाएं, भागवत हो जाएं, जिस कथा को सुन करके हमें वो ज्ञान प्राप्त हो जिस ज्ञान से कन्हैया मिल जाए। ऐसी सुंदर कथा सुनाओ।